नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। रामगढ़ से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बताया कि रामगढ़ में डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से त्रस्त कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम SDM रेणु मीणा को ज्ञापन सौंपा। डीजल पेट्रोल के दामों में विश्वव्यापी मंदी के बावजूद केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बेतहाशा टैक्स वृद्धि करने आमजन की कमर तोड़ दी है। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, तो दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि से महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ सरकार से टैक्स में कटौती कर आमजन को राहत देने की मांग के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कारगर रोक लगाने की मांग। अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए चंबल का पानी लाने 850 करोड़ की लागत से बने 500 बेड के ESI अस्पताल को चालू करवाने की मांग तथा इलाहाबाद जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का रामगढ़ में ठहराव की मांगों को लेकर SDM रेणु मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम निम्न स्तर पर है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार वेट बढ़ाकर डीजल पेट्रोल को बहुत महंगा कर रही है। देश के अंदर युवा वर्ग परेशान है, बेरोजगार है, जगह जगह मजदूर परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे अलवर जिले में 850 करोड़ रुपए की लागत से ESI अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन उसमें 500 बेड की सुविधा है, लेकिन सरकार उसको विधिवत रूप से प्रारंभ नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ESI अस्पताल को अतिशीघ्र चालू किया जाए। एक मांग हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, अगर हमारे क्षेत्र में चंबल का पानी जोड़ दिया जाए तो किसान और आम जनता के लिए पानी की सुविधा हो सकती है। एक हमारे यहाँ से रेल जयपुर इलाहाबाद, यहाँ से काफ़ी यात्री जयपुर और इलाहाबाद स्नान के लिए जाते हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि उसका एक मिनट स्टॉप रामगढ़ में किया जाए। रामगढ़ में सैन्य विकास महासमिति रामगढ़ की ओर से कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में पुलिस स्टेशन, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील परिसर, कोर्ट में 1000 मास्क, 500 फेस शील्ड तथा सैनिटाइजर मशीन का वितरण, समाज के भामाशाह वरिष्ठ सैनी, हॉस्पिटल के संस्थापक शुभम मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर CL सैनी, चेतराम सैनी ने अपनी तरफ से कोरोना वॉरियर्स योद्धाओं के लिए दिया। कार्यक्रम में महासमिति के सूबेदार हरभजन सिंह सैनी, सेवा दल के अध्यक्ष दया किशन, महासमिति के महासचिव गोविंद सैनी, एडवोकेट रोहितास सैनी, मुकेश सैनी, भगवान सैनी, तारा सैनी चोमा, हेमंत सैनी, महेंद्र ठेकेदार आदि समाज के महानुभाव उपस्थित रहे। आज सैन्य विकास महासमिति के तत्वाधान में रामगढ़ कस्बे में हमारे सैन्य हॉस्पिटल वाले तथा शुभम मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर चेतराम सैनी जी के मार्गदर्शन में 1000 मास्क और 500 फेस शील्ड तथा एक सैनिटाइजर मशीन का वितरण रामगढ़ हॉस्पिटल, पुलिस थाना रामगढ़, SDM कोर्ट रामगढ़ तथा तहसील परिसर रामगढ़ में वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे सूबेदार हरभजन सिंह, गोविंद सैनी, दया किशन, मुकेश सैनी जी, तारा सैनी और तमाम समाज के अग्रिम संगठनों और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।